देश पर महंगाई की मार जारी, नहीं बुझ रही पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग, आज फिर बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हुआ। दिल्ली में डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, दिल्ली में डीजल प्रति लीटर 90 रुपए 42 पैसे हुआ। मुंबई में पेट्रोल के दामों में 53 पैसे का इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 113 रुपए 35 पैसे हुआ। मुंबई में डीजल के दामों में 58 पैसे का इजाफा, 1 लीटर डीजल मुंबई में 98 रुपए 13 पैसे का हुआ। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध का 32वां दिन, पुतिन की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर छोड़े बम। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागने का जारी किया नया वीडियो, काला सागर से किया हमला। काला सागर में अपने जंगी जहाज से रूस ने दागी मिसाइल, यूक्रेन के जाइटोमीर को बनाया निशाना। बर्दियांस्क पोर्ट पर रूसी जहाज सारातोव बर्बाद, यूक्रेन ने किया था हमले का दावा। चेर्निहिव में रूस के जोरदार हमले, कई जगहों से उठता दिखा धुआं, शहर पर रूस का शिकंजा। रूसी हमले से तबाह हुआ यूक्रेन का मारियोपोल, शहर का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस के हमले जारी, एक तेल डिपो को पुतिन की फौज ने बनाया निशाना। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की भी तैयारी पूरी, राजधानी के बाहर बंकरों में जमे हैं ज़ेलेंस्की के सैनिक। यूक्रेन के कई शहर हमले की जद में, रुबिजेन में हवाई हमले में इमारतें तबाह, एक कार भी खाक। हमले में एक चर्च को भी भारी नुकसान, ऑर्थोडॉक्स चर्च पर रूस ने की थी बमबारी। वार्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन युद्ध को लेकर रणनीति पर चर्चा। पोलैंड में ही यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री से भी बाइडेन की मुलाकात, युद्ध में हर संभव मदद का दिया भरोसा। पोलैंड के शरणार्थी कैंप के दौरे पर बाइडेन का पुतिन के खिलाफ सख्त बयान, कहा वो एक कसाई है। रूस को नेटो की बड़ी चेतावनी, कहा अगर हुआ परमाणु या केमिकल हमला तो हम भी लेंगे एक्शन। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने जताई परमाणु युद्ध की आशंका, कहा रूस कर सकता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। शपथ ग्रहण के बाद योगी सरकार का पहला दिन, सीएम का फैसला 3 महीने के लिए बढ़ी मुफ्त राशन योजना। कैबिनेट की बैठक के बाद योगी का बयान, कहा राज्य के 15 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा सीधा लाभ। योगी के मंत्रियों ने संभाला कामकाज, बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य दूसरी पारी में भी संकल्प के हर वादा पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार, कहा हर काम के लिए हम तैयार। योगी मंत्रिमंडल के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी का दावा, मुसलमानों के लिए काम करेगी बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे नेता विपक्ष, समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता। समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को न्योता नहीं, जताई अपनी नाराजगी। आज तक से बोले शिवपाल यादव, 2 दिन से बैठक के लिए लखनऊ में कर रहा था इंतजार, मैं सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी का सक्रिय सदस्य भी हूं। यूपी के जालौन में सड़क हादसे में बाल बाल बचे केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य, फॉर्चुनर और ट्रैक्टर में टक्कर। बीएसपी ने आज बुलाई है पार्टी की बैठक, विधानसभा चुनाव में हार की होगी समीक्षा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पेश किया साल 2022-23 के लिए बजट, 75,800 करोड़ का प्रावधान। दिल्ली सरकार के बजट में शिक्षा के लिए 16,278 करोड़ का आवंटन, स्वास्थ्य के लिए 9,669 करोड़ होंगे खर्च। बजट के बाद सीएम केजरीवाल का दावा, अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार का वादा, कहा 8 सेक्टरों में देंगे नौकरी। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया रोजगार बजट, कहा हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल दिए, मेट्रो का विस्तार किया। दिल्ली सरकार के बजट पर बीजेपी की केजरीवाल को चुनौती, कपिल मिश्रा ने कहा 12 लाख लोगों को नौकरी देने की लिस्ट करें सार्वजनिक। मोदी कैबिनेट की बैठक में गरीबों के लिए राहत का फैसला, 30 सितंबर तक प्रधानमंत्री अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को लाभ। शाम में मोदी कैबिनेट की हुई वर्चुअल मीटिंग, पीएम के अलावा सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद। उमा भारती का मुलायम और अखिलेश पर वार, कहा दोनों ही नहीं है समाजवादी, पार्टी बचाने के लिए असली समाजवादियों को आना होगा आगे। द कश्मीर फाइल्स पर बयान के बाद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, पूछा क्या 8 साल में बीजेपी की सरकार में एक भी कश्मीर पंडित परिवार का हुआ पुनर्वास।
एमसीडी बिल पर बोले केजरीवाल, चुनाव टालने के लिए लेकर आई बिल, जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। महंगाई और गैस के बढ़ते दाम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, 31 मार्च से 7 अप्रैल तक विरोध की तारीखों का ऐलान। 5 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी से पहले 1 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह का भी कर्नाटक दौरा, 16 और 17 अप्रैल को जेपी नड्डा जाएंगे कर्नाटक के होस्पेट शहर। 1 से 3 अप्रैल के बीच भारत के दौरे पर आएंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा, 2 अप्रैल को मोदी से भी करेंगे मुलाकात, वाराणसी का भी करेंगे दौरा। बीरभूम हिंसा केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 21 लोगों को बनाया आरोपी। देहरादून में कांग्रेसी नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, लंबी उम्र की कामना की। रीटा खंडूरी बनी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, सीएम पुष्कर धामी ने दी बधाई। अहमदाबाद में अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कई योजनाओं का शिलान्यास। आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, 4 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। धौलपुर में पानी टंकी में लीकेज से फूटा लोगों का गुस्सा, टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। मुंबई के कांदीवली में बहुमंजिला इमारत के गिरने से हादसा, 4 लोग हुए घायल। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, ड्रग्स पेडलर के पास 6 लाख के ड्रग्स बरामद। बीरभूम में 40 जिंदा बम बरामद, पुलिस ने इलाके में छानबीन शुरू की। भारतीय जेल से रिहा हुए 3 पाकिस्तानी कैदी, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भेजा गया पाकिस्तान। छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश के 200 आदिवासी बच्चे पहुंचे कर्नाटक विधानसभा का किया दौरा। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, राजभवन में राज्यपाल और सीएम धामी ने किया स्वागत। झारखंड के रामगढ़ में पानी की किल्लत से लोग परेशान, पानी सप्लाई के लिए पैसे देने के बाद भी सुविधा नहीं। कानपुर में डीएम ने रद्द किए 11 हथियारों के लाइसेंस, गलत तरीके से बनाने को लेकर कार्रवाई। नागपुर से 45,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू करने वाला युवक पहुंचा अबोहर, लोगों ने किया स्वागत। धौलपुर में ट्रांसजेंडर उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम। लाहौल स्पीति में पहली स्नो मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन, 10,000 फीट की ऊंचाई पर हुए मैराथन में 100 धावकों ने लिया हिस्सा। केदारनाथ में रास्ते पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी, अभी भी रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। बांदा में ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ की बड़ी लापरवाही, मरीज के शरीर में छोड़ी सुई। आईपीएल के पहले मैच में कोलकाता ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए चेन्नई ने 5 विकेट पर बनाया 131 रन, 9 गेंद बाकी रहते कोलकाता ने हासिल किया लक्ष्य। कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहाणे ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन, कप्तान श्रेयस अय्यर 20 रन पर नाबाद। सेंट जॉर्ज टेस्ट में इंग्लैंड पर पहली पारी में वेस्टइंडीज को 93 रन की बढ़त, 204 के जवाब में स्कोर विंडीज ने बनाए 297 रन। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने हराया, 71 रन से जीता मैच। गुरुग्राम में फ्लाईओवर से कूदकर युवती ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हाथरस में रफ्तार का कहर, कार और डंपर की टक्कर, पति पत्नी की मौके पर मौत। मुंबई पुलिस ने चोरी के आरोप में इलेक्ट्रीशियन को किया गिरफ्तार, करीब 20 लाख रुपए का सोना चुराने का आरोप। शिवपुरी में जमीन को लेकर विवाद, शिक्षक ने की खुदकुशी। धौलपुर में कार और टेम्पो की भिड़ंत, चाचा भतीजे की मौत, बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहा था परिवार। मोतिहारी में जेडीयू नेता के देवर की संदिग्ध मौत, कल सुबह से था लापता, घटना की जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर में 3 बच्चों को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। हरदोई में 2 सगे भाई समेत 4 गिरफ्तार, प्रधानी को लेकर हुए विवाद में सुपारी किलर से हत्या कराने का आरोप। अवरेया में चेकिंग के दौरान बिजली विभाग की टीम पर हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में सिरफिरे बेटे ने माता पिता की हत्या की, गैस सिलेंडर से सर कुचल कर मारा। गुजरात के खेड़ा में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप, मामले में 8 गिरफ्तार, आरोपी युवक अभी भी फरार। भीलवाड़ा में महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान, युवक ने की खुदकुशी, गेस्ट हाउस में जहर खाकर दी जान।
जालंधर के आदमपुर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। कानपुर में मिड डे मील बनाने वाली महिला की हत्या, घर में घुसकर वारदात को दिया गया अंजाम। पंजाब के जलालाबाद में पंजाब पुलिस और एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3000 लीटर अवैध शराब नष्ट की। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई। जालंधर में रिश्वत लेने के आरोप में महिला क्लर्क गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर मांगे थे 4,80,000 रूपये। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 या 4 अप्रैल को हो सकती है वोटिंग, मंत्री शेख राशिद बोले विपक्ष के रवैये से और मजबूत हुई सरकार। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने सोलोमन द्वीप पर चीन के बढ़ते दखल को लेकर जताई चिंता, कहा चीन द्वारा सोलोमन द्वीप के साथ की गई सुरक्षा साझेदारी पर भरोसा मुश्किल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिला छात्र और महिला शिक्षकों ने तालिबान के खिलाफ किया प्रदर्शन, लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का विरोध। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जेद्दा तेल डिपो पर दागे कई रॉकेट, आसमान में धुएं का गुबार और आग की लपटें।